नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की ओर। उच्च स्तरीय टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि ट्रैक टेस्ट ट्री और टीकाकरण की नीति के सफल तरीके से प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। साथ ही इस समय प्रदेश में कुल 1566 एक्टिव केस है, इसमें 1488 लोग घर पर ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ श्रृंगार गौरी विवाद मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख ने 6 मुकदमों से अपना नाम वापस लिया है। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा है कि 6 मुकदमों में से मुकदमा नंबर 350, जिसमें मैं वादी हूं और उसमें से मैंने अपना नाम विड्रॉल किया है और एक नया मुकदमा करने जा रहा हूँ। ज्ञानवापी प्रकरण में कई देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। वो मुकदमा अपनी जगह है, मैंने बाकी 6 मुकदमों के लिए कहा है, 5 ज्ञानवापी से संबंधित, 1 लाट भैरव से संबंधित, उसमें विश्व वैदिक सनातन संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से कुछ लोगों को लेकर वो अलग अलग मुकदमे में अलग अलग 1-2 दिन में सारी प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी। सबकी तरफ से विड्रॉ होकर न्यू फ्रेश वकालतनामा फाइल हो, वो केस फाइल होगा विश्व वैदिक सनातन संघ की यूथ विंग की तरफ से, हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ की तरफ से। चंदौली के मिराजपुर गांव में पुलिस दबिश के दौरान युवती की घटना से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मृतिका निशा के पिता कन्हैया यादव को संतावना दी। करीब आधे घंटे तक उन्होंने घटना के संबंध में चर्चा की। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि हम पीड़ित परिवार और बच्ची को न्याय दिलाएंगे, सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। पुलिस की दबंगई की वजह से बेटी की जान गई है। जो बेटी की जान गई है वो पुलिस की दबंगई और पुलिस की दबिश की वजह से गई है। पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूं तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने, क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है कहानी बनाने में बहुत आगे है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 दिनों के एजेंडा के लिए योगी सरकार के सभी नेता जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक अचानक रायबरेली पहुंच गए, जहां उन्होंने बछरावा CSC का निरीक्षण किया और कदम कदम पर उनको खामियां मिली। वहीं CHC में साफ सफाई और डॉक्टर के नहीं होने से नाराज बृजेश पाठक ने CMO को भी फटकार लगाई। खबर लखनऊ से है, जहां महापौर संयुक्ता भाटिया ने शहादतगंज वार्ड में शिला गार्डन, सोनापुर, कंकस्टी, सुमैया बिहार, केतन बिहार समेत कई क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था का हाल जानने के लिए औचक निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान साफ सफाई नहीं पाए जाने के बाद महापौर ने कार्यदायी संस्था FB ट्रेंड्स पर 1,00,000 रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही संस्था को निलंबित करने का निर्देश दिया, जबकि महापौर के निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में एक भी सफाई कर्मी नहीं पाया गया। बहुचर्चित बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों की 67 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। SP आउटर अजीत सिन्हा की रिपोर्ट पर DM कोर्ट ने इन्हें अटैच कर दिया है। इनमें बिकरू, चौबेपुर, कानपुर देहात और लखनऊ में 13 अचल तो बाकी 10 चल संपत्तियां हैं। वहीं अब संपत्तियों पर तहसीलदार स्तर का अधिकारी बतौर रिसीवर तैनात होगा। कानपुर देहात व लखनऊ DM को रिसीवर बैठाने का पत्र भेजा जाएगा। बिकरू कांड से संबंधित जो मुख्य अभियुक्त था विकास दुबे और उनके परिवारजन के विरुद्ध में पुलिस अधीक्षक कानपुर आउटर की आख्या के क्रम में न्यायालय कानपुर नगर जिला मजिस्ट्रेट गैंगस्टर एक्ट की 14(1) धारा के अंतर्गत हम लोगों ने इनकी चल अचल संपत्ति को जब्तीकरण के आदेश निर्गत किए हैं।
ये वही चल अनचल संपत्तियां हैं जिनको इनके द्वारा अवैध रूप से इनका अर्जन किया गया था और इनके आय के स्रोत के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ताजमहल के बंद कमरों को खुलवाने को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर होने के बाद ताजमहल पर लट बांटने के लिए हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पहुंच गए। यहां पहुंचकर कार्यकर्ता लट बांटने ही वाले थे कि तभी पुलिस ने पश्चिम गेट बैरियर पर उन्हें रोक लिया। तलाशी में उनके पास से मिठाई बरामद हुई है। बता दें कि पुलिस ने सभी को स्मारक के अंदर जाने से रोक दिया। कार्यकर्ता ताजमहल को लेकर दायर याचिका पर खुशी जाहिर करने पहुंचे। संभल में राजकीय महाविद्यालय में मोबाइल फोन और टैबलेट का वितरण किया गया। इस दौरान छात्र छात्राएं टैबलेट पाकर काफी खुश नजर आए और छात्र छात्राओं ने कहा कि इस टैबलेट से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे। टैबलेट वितरण समारोह में एडीएम कमलेश कुमार अवस्थी मौजूद रहे। बिजनौर में एक सड़क हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि तीन लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर गाजियाबाद से है जहां कलेक्ट्रेट परिसर में एक युवक ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया जिसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया और पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें युवक पर लड़की के शोषण के बाद पैसे मांगने के आरोप लगाए गए थे और फिर बदनामी के डर से युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की। संभल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है जहां डॉक्टरों की लापरवाही के कारण गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि महिला के पेट में दर्द हुआ था जिसका उपचार के लिए फतेहपुर के बहजोई जय मां आशीर्वाद नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं जब महिला की परेशानी बढ़ने लगी तब उसे दूर अस्पताल ले जाने को कहा और जिसके बाद माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई जिसके बाद परिजनों में जमकर हंगामा काटा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अस्पताल को सील कर दिया। एक बच्चे की गर्भवती महिला की यहाँ मौत हो गई है और उसका सिग्नल देते हुए तुरंत मैं यहाँ पर आया हूँ और इसकी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन चूंकि अभी रजिस्ट्रेशन का नहीं है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके प्रतिष्ठान को बंद किया जाएगा। कानपुर के झिंझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होम्योपैथी कक्ष में पर्चा बनवाने के नाम से ₹5 लग रहे थे। साथ ही डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी के समय प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और होम्योपैथिक कक्ष में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मरीजों का इलाज करता है। आपको बता दें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कहना है कि डॉक्टर के कहने पर ही लोगों से ₹5 के पर्चे लेते हैं। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन सहित उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के रुड़की हरिद्वार सहित कई रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों को 21 मई को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है और रेलवे ने जीआरपी आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया है। इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर है। अलर्ट हुआ है, इस समय ये रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है उसके संबंध में हाई अलर्ट है और सभी की चेकिंग की जा रही है। तो कितने समय पहले धमकी मिली है? कल धमकी का वो मिला है, धमकी मिली हाँ, हरिद्वार में हरिद्वार रुड़की का मिला है उसके संबंध में। सर कुछ लोग उतर हटाया जा रहा है तो उधर किस तरह के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? नहीं हटा नहीं जा रहा, जो अनलीगल हैं तो उन्हें हटाया जा रहा है। खबर औरैया से है। नेशनल हाईवे पर साई मंदिर के समीप आनेपुर मोड़ पर क्षत्रिय समाज के युवाओं ने महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई। इस दौरान समाज के लोगों द्वारा एक वाहन जुलूस भी निकाला गया। बता दें कि समाज के लोगों ने बताया कि परमिशन न मिलने की वजह से छोटा सा जुलूस निकाला गया। इसके अलावा क्षत्रिय समाज के लोगों ने जय भवानी और जय महाराणा प्रताप के नारे भी लगाए। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, 1540 में उनका जन्म हुआ था
और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आज सारे क्षत्रिय समाज के नौजवान सीनियर नेता सब लोग इकट्ठे होकर आज एक जुलूस निकालेंगे। उनके नाम का एक यहाँ पर आज बोर्ड लगाया जाएगा, महाराणा प्रताप शायद इसका चौक नाम रखा जाएगा। साईं मंदिर के पास जो ये तिराहा है, ये आनेपुर तिराहा है, आनेपुर तिराहे को महाराणा प्रताप तिराहा कहा जाएगा। जैसे कि चूँकि शासन के प्रोटोकॉल के तहत जुलूस की यात्रा का परमिशन नहीं है, लेकिन हम लोग अपने जो इस स्थान पर बैठे हुए हैं इसका महाराणा प्रताप चौक के नाम से एक ज्ञापन देना है कि आने वाले समय में इसका नाम महाराणा प्रताप मार्ग हो। जगह जगह लोगों का स्वागत है, जो धूप में लोग हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था है और जुलूस वगैरह का कोई प्रबंध अभी हुआ नहीं, क्योंकि पहले से कोई भी सूचना हम लोग को चाहिए। अकस्मात जो युवा लोग हैं, युवा भाई हैं, इन लोगों का गांव, यहाँ एक गांव है आनेपुर, इसमें बहुत मूल संत में क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं, इसलिए उस गांव के जाने वाला रास्ता जो मूल है तिराहा है उसको आज हम लोग महाराणा चौक प्रताप का नाम दे रहे हैं, जो करीब साईं मंदिर से करीब 300 मीटर दूरी पे है और नेशनल हाईवे पे है। सभी युवाओं के जोश के साथ हम महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं और आप सभी को और आपके चैनल को सभी को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।